खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ के दौरे पर पहुंचे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के उस बयान का समर्थन करता हूं, जिसमें उमा भारती ने बोला था कि भगवान राम और मंदिर बीजेपी की बाबूती नहीं है। संजय सिंह वर्मा ने कहा, उमा भारती जी धर्म के मर्म को जानती है और राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ी रही है। उन्होंने रथ यात्रा देखी है, रथ यात्रा में आडवाणी और मुरली मनोहर के साथ रथ यात्रा में रही हैं। वो जानती हैं कि राम मंदिर में सर्वधर्म के लोग का योगदान है, इसलिए उनको कहना पड़ा कि भगवान राम और उनका मंदिर बीजेपी की बाबूती नहीं है। वर्मा ने कहा कि बीजेपी वालों से ज्यादा कांग्रेस के लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं। उमा भारती जी सही समय पर सही बात कही है। उमा भारती जी धर्म के मर्म को जानती है और उन्होंने अपनी आंखों से तमाम वो रथ यात्राएं अडवाणी मुरली मनोहर जोशी की, जिसमें वो खुद भी थी, वो उन्होंने देखी है। उसमें जब रथ यात्रा निकलती थी अलग अलग शहरों से, तो बीजेपी नहीं, सर्वधर्म के लोग इकट्ठा होते थे, तो वो चीज़ें उन्होंने रथ के ऊपर से देखी हैं। तब उन्हें कहना पड़ा, ये भाजपा ही अपनी बपोती मानते हैं तो माफ करें, मेहरबानी करके, ये धर्म के रथ को खींचने का अधिकार हर उस व्यक्ति का है जो सनातन धर्म में आस्था रखता है, और मैं समझता हूँ कि भाजपाइयों से ज़्यादा आस्था कांग्रेस के लोग अपने भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी में रखते हैं। तो सही समय पे सही शब्दों का इस्तेमाल आदरणीय उमा भारती जी ने कहा है कि ये बपोती नहीं है भाजपाइयों या बीजेपी, ये सर्वधर्म संभाव का मामला है। सोनकच्छ से रुपेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।